गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हम पहुंच चुके हैं डे 29th पर और हमारा सेल्फ स्टडी प्लान बिल्कुल स्पीड से चल रहा है और हम उम्मीद करते होंगे आप भी उसी स्पीड से अपने टारगेट्स को फॉलो कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। हर साल एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही हैं, तो क्यों ना आज इस टॉपिक को थोड़ा कवर किया जाए और देखा जाए इसमें क्या क्या है। बट उससे पहले कोट ऑफ द डे, एक बेहतरीन दिन की शुरुआत उतने ही बेहतरीन कोट के साथ। सम पीपल डोंट लाइक चेंज बट यू नीड टू एम्ब्रेस चेंज इफ द ऑल्टरनेटिव इज डिज़ास्टर। और जी हाँ, ये वही एलन मस्क भाई साहब हैं जो स्पेस एक्स चला रहे हैं और जिन्होंने टेस्ला को स्पेस में पहुँचा दिया है। तो मीनिंग तो काफ़ी क्लियर है इस कोट का, कुछ समझाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो आप इस कोट को मेन्स में यूज़ कर सकते हैं या अपने ऐसे राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं या अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएँ तो भैया घबराना नहीं है, बस डटे रहो, बी डिटर्मिंड एंड विल गेट थ्रू इट। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर, वो आप देख पा रहे होंगे अपने सामने। सो वैसे तो कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। जो भी क्वेश्चंस आते हैं या तो वो करंट रिलेटेड होते हैं या फिर वो स्टैटिक नेचर के होते हैं। बट ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन हो गया, डिज़ास्टर मिटिगेशन हो गया। तो मिटिगेशन बेसिकली क्या है कि अगर कोई डिज़ास्टर है तो उसके इम्पैक्ट्स और रिस्क को रिड्यूस करना। उसी तरीके से डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट हो गया, किस तरीके से हम अपने वॉलंटियर्स को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो डिज़ास्टर के टाइम हेल्प कर सकें। फिर आता है डिज़ास्टर रेजिलियंस, कि किस तरीके से हम डिज़ास्टर को अडैप्ट करें। अगर डिज़ास्टर हिट कर चुका है तो लोगों को अडैप्ट भी करना आना चाहिए और उससे रिकवर भी करना आना चाहिए, तो वो रेजिलियंस के अंडर आ गया। उसी तरीके से सेंडाई फ्रेमवर्क है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको पढ़िए, थोड़ा देखिए इसके अंदर क्या क्या है। फिर आता है रिस्क असेसमेंट, कि हम पहले से ही पता लगा लें कि कहाँ डिज़ास्टर हिट कर सकता है या फिर कितना रिस्क है उस एरिया का, तो हम उस तरीके से रेजिलियंट स्ट्रक्चर वहाँ पर बना सकते हैं ताकि मिनिमम इम्पैक्ट हो और मिनिमम कैजुअलिटीज़ हों। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर में पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि कुछ होते हैं मैन मेड और कुछ होते हैं नेचुरल। तो अभी जो दिल्ली में चल रहा है, जो लोगों को दिख नहीं रहा है गुड़गांव नोएडा में, तो वो सब मैन मेड कैटेगरी में आते हैं। या फिर अगर कहीं भूकंप आता है, फ्लड आता है, तो वो नेचुरल कैटेगरी में आते हैं। तो आप इसके बारे में पढ़िए थोड़ा, हम आपको सोर्सेज बताते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है, थोड़ा देखिए इसके। फिर आते हैं हमारे सोर्सेज, तो ये आप एक यूट्यूब वीडियोस का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। हमारे स्लीपी क्लासेस का एक प्लेलिस्ट है, आप इस प्लेलिस्ट को देखिए, नोट्स बनाइए अपने। फिर आती है आपकी सेकंड एआरसी रिपोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको गूगल कीजिए और इसके बारे में पढ़िए। और बेटर देन द बेस्ट, फिर तो ये आता है एनडीएमए वेबसाइट पे हमारी जो इसकी गाइडलाइंस हैं, आप उसको देखिए और ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी आंसर राइटिंग में। या फिर आप इसकी समरी भी ले सकते हैं ऑनलाइन कहीं से भी। और मोस्टली जो करंट अफेयर्स तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली करंट अफेयर्स से ही होते हैं। तो अगर कहीं पे फ्लड आ रहा है या फिर कहीं पे स्टैम्पीड हो रहा है, तो उसके रीजंस देखिए और देखिए किस तरीके से और उसको बेहतर बनाया जा सकता था। आप उसके लिए उन पे लिखे हुए आर्टिकल्स को भी फॉलो कर सकते हैं टू गेट एन एक्स्ट्रा पॉइंट। सो जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपके सामने है बिल्कुल। हाउ इम्पॉर्टेंट आर वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट फॉर प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्रिटिकली एनालाइज। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा इसको। और आप इस क्वेश्चन को हमारे डिस्कशन पोर्टल पे भी शेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि और बच्चों ने किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है और आपके क्या व्यूज़ हैं, तो आप खुद को इवेल्यूएट कर सकते हैं। सो अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।